Daily Bulletin is presented by KBN University, United Degree College and by SS Tegnur PU and Degree College. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। 127 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और साथ साथ 52 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। कोई भी डेथ शामिल नहीं आज के इस बुलेटिन में। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया कि जो केसेस गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहे हैं वो अर्बन में कितने हैं और सिटी में कितने हैं। हमने इसकी लिंक अटैच की है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे क्लिक करने के बाद आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल गुलबर्गा सिटी की अगर हम बात करें तो मोर देन 50% या 60% केसेस सिटी की हो रहे हैं। कोविड 19 की पैंडेमिक को चलते हुए कलबुर्गी सिटी पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया है, मास्क पहनो बी ए हीरो। जी हाँ, पिछले कुछ दिन पहले ये कैंपेन लॉन्च किया था, लेकिन इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सेकेंड वेव का एक मामला बाहर आते जा रहा है, इसको चलते हुए एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सीरियस है और फिर से इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना जा रहा है। तो आप याद रखें, बाहर जब भी आप निकल रहे हो तो आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने हाथ को कंटिन्यू वॉश और सैनिटाइज करते रहें। इस चलते हुए DCP किशोर बाबू जी ने आज मीडिया से बात की। Kalaburgi City Police is launching a campaign to create awareness among the public to wear masks. Whoever comes out from home has to compulsory wear the mask. Thus, wearing mask only prevents the spread of COVID-19. So please cooperate with City Police and everybody please wear mask. Thank you. गुलबर्गा का वेदर आप देख रहे हैं कि अचानक से बारिश शुरू हो चुकी है। गुलबर्गा ही नहीं बल्कि नॉर्थ कर्नाटक और साउथ कर्नाटक के ऐसे कई सारे एरियाज में बारिश हो रही है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, हमने बताया स्क्रीन के ऊपर कि जहां पर गुलबर्गा शहर के आने वाले 5 दिन का हमने एक फोरकास्ट लिया है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ये आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन था, जो कि आज हो चुका है। कल भी यही मामला रह सकता है, जनरली क्लाउडी स्काई विद मॉडरेट रेन। उसके बाद 14 की अगर हम बात करें तो क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन रह सकता है। इस तरह से 5 दिन तक मॉडरेट टू लाइट रेन की बातचीत समझ में आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। याद रखिए, एक वेदर फोरकास्ट है, जरूरी नहीं कि इस तरह से ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे होने के एक फोरकास्ट है। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट संदीप बंसल जी गुलबर्गा शहर पहुंचे और यहां पर उन्होंने आज स्टेट कन्वेनर को चूज किया। जी हाँ, ये स्टेट कन्वेनर का मौका और काफी सोशल वर्क करने वाले अजमल गोला जी को आया। जी अजमल गोला जी जो अपने काफी सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं, वो अब कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के कर्नाटका स्टेट के कन्वेनर रहे। गुलबर्गा शहर में हमारे कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट संदीप बंसल साहब आए हैं और इस मौके पे वो मुझे एक जिम्मेदारी दिए हैं कि मैं कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन को इस मुकाम पे पहुंचाऊं और उनका एक नाम बनाऊं। कई सालों से, तकरीबन 15-20 सालों से कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। मेन मार्केट कंज्यूमर ही है, कंज्यूमर है तो मार्केट है, और कंज्यूमर को धोखा, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होना नहीं होना, वो हमारी जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन देखे कि हर कंज्यूमर कुछ भी कर रहा है तो उनको सेफ करें। मैं ये वादा करता हूँ कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन को कि आपके उम्मीदों पे, आपके एक्सपेक्टेशंसों पे इंशाल्लाह मैं खड़ा उतरूँगा, और ये वादा करते हुए निकलता हूँ तमाम लोग जो ये माध्यम से देख रहे हैं, ये मीडिया से देख रहे हैं, कि आपका कोई भी कंज्यूमर का प्रॉब्लम रहे, आप बेझिझक गोला चौक पर मेरी ऑफिस है, आप कभी भी, आप जानते हैं कि मैं कॉरपोरेटर हूँ, मैं आप लोग मेरे से सब वाकिफ हैं, तो लिहाजा कंज्यूमर राइट का कोई भी मामला रहो बेझिझक आप आइए, क्योंकि हम आपके लिए बने हैं और आपके लिए हैं और इंशाल्लाह आपके लिए काम करेंगे। दान उत्सव कलेक्शन ड्राइव जो कि गूंज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रहा था, इसको गुलबर्गा शहर के अंदर रोटरी क्लब और इनरवील क्लब ऑफ गुलबर्गा सन सिटी चला रही थी, इसको आज ही कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा मेगा रिस्पॉन्स इसे मिला। हमारी टीम वहां पर पहुंची और कलेक्शन की ड्राइव किस तरह से कंप्लीट हुई, हमने एक जायजा लिया। आइए देखते हैं। I've seen you holding that doll for quite a long time. So what message do you want to give to the people? Like जिसके लिए doll अब काम की नहीं है, लेकिन किसी घर में जाएगी, it will be creating a happiness. Correct. उसके बारे में what you want? So I just want to say that all of you who have donated have given second life to the goods. And ये एक बार अगर आप फेंक दोगे तो उसका कोई life नहीं रहता, वो recycle हो जाएगा या फिर रद्दी वाला कहीं फेंक देगा. But by donating here in Daan Utsav and to Goonj, what we'll do is we'll take that, we refurbish and then give it to
द रूरल पीपल एंड और एक चीज़ की ये कमी ये जो है दान या फिर चैरिटी के जैसे नहीं देते हैं जो भी अच्छे काम करते हैं अपने सोसाइटी के लिए हम उनको गिफ्ट के तौर पे देते हैं सो दिस इज वन गुड मोटिव दिस इज नॉट अ चैरिटी दिस इज नॉट समथिंग लाइक गिव टू पॉवर्टी या पुअर पीपल दिस विल बी अ गिफ्ट इट विल बी अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन या राइट राइट फॉर द रूरल पीपल हु आर इन नीड बात करते हैं कर्नाटका स्टेट के कैबिनेट रिशफल की जहाँ कैबिनेट रिशफल के अंदर माइनर से चेंजेस आए हैं जिसके अंदर एक मामला जो आ रहा है वो श्री रामुलु जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर थे कोविड 19 पैंडेमिक के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे लेकिन अब उन्हें उस पोस्ट से हटाया गया है और इंचार्ज बनाया गया है मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर राव जी को। जी हाँ काफ़ी वो आगे बढ़कर काम कर रहे थे और गवर्नमेंट के साथ साथ वो पार्टी को भी जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे और टेक्निकली साउंड होने की वजह से लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे। इसको चलते हुए अब हेल्थ मिनिस्ट्री आ चुकी है डॉक्टर सुधाकर जी के पास। इसके अलावा एक और माइनर चेंज के अंदर नज़र आ रहा वो है डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल जो कि इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं गुलबर्गा शहर के, वो जो सोशल वेलफेयर पोर्टफोलियो कैरी कर रहे थे वो अब जा चुका है श्री रामुलु जी को। कांग्रेस सरकार ने इस पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेल्थ मिनिस्टर को चेंज किया जा रहा है पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस हो जा रहे हैं इसको ये मालूम होता है कि गवर्नमेंट इस पैंडेमिक के अंदर स्टेबल नहीं और संभाल नहीं पा रही है पोर्टफोलियोस को। आखिर में हम बात करने वाले हैं बाबा का ढाबा। जी हाँ ये वीडियो काफी वायरल हो गया था। बाबा का ढाबा एक 80 ईयर ओल्ड जो कि एक बुजुर्ग चलाते हैं जिनका बिजनेस नहीं हो रहा था लेकिन एक छोटी सी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे हिट होगी और वायरल होगी जिसकी वजह से आज उनके पास ठहरने के लिए जगह नहीं, इतनी सारी पब्लिक वहाँ पर आ रही है। बताने का मकसद ये है कि हमारी दिल्ली की टीम ने इसे जाकर एक्सक्लूसिव कवर किया। याद रखिए बाबा का ढाबा ऐसे कई सारे बुजुर्ग और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास टेस्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। हमारे गुलबर्गा शहर के अंदर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचना चाहिए तो हम चाहते हैं कि ऐसे कई सारे लोग जिनकी छोटी दुकानें हैं उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं हमारे बाबा के ढाबा की छोटी हाइलाइट्स। नमस्कार अम्मा, आपका नाम क्या है? बदामी देवी। आपकी उम्र? 80। 80 साल। हाँ। आप ये काम कब से कर रही हैं? 90 से। तो आपके साथ यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है? पहले कोई ना रहा, अब बच्चे सयान भए तो करने लगे, बच्चे फिर काम में चल जाए, काम करते रहे तो उनका काम छूट गया, जॉब करा तो छूट गया, उधर लोग से तो छूट गया, कहीं काम ढूंढते कहीं नहीं मिलता उनको, तो वही अब बच्चे यही हैं, अब दोनों काम करते हैं, छोटा वाला बड़ा वाला, एक लड़की है एक बच्ची की माँ है, उसकी बच्ची है 12 साल की है, सब हमारे परिवार एक ही में है, बहू और पोतियाँ हैं सब हमारे एक ही में है। वही गोरख भाई को जो हमारे वही भगवान हैं, हम तो कहते भगवान उनके और हमारे से लंबी उम्र दें और किसी के देखें, हमारे बहू देखें और किसी के गरीब को भाई के देखें। GoHealth.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट एक्यूरेट रिलायबल। जी हाँ आप बन सकते हैं हमारे मेंबर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज डू सपोर्ट GoHealth.in एंड लेट्स गो फार। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी यूनाइटेड डिग्री कॉलेज एंड बाय SS तेगनूर PU एंड डिग्री कॉलेज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें GoHealth Networks पे।